इंशाल्लाह आज से हम अपना बाकायदा जो है इस सेशन का आगाज करते हैं। मेरा नाम नासर खान है और मैं बायोलॉजी की जितनी भी क्लासेस है और 9, 10 उसके अलावा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और सेकेंड ईयर टीचर की क्लासेस है उसके हवाले से हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आज कल न्यूज़ की बात चल रही है या जो भी मतलब वायरस के हवाले से जो भी बातें हो रही है आजकल और वो सब की जुबानों पर है, तो हम ये आज के लेक्चर में चार्ट सीक्वेंशन में वायरस के हवाले से बात करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम जो कोरोना वायरस है उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले वायरस जो है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइवड है जिसका मतलब है पॉइजन। और अभी तक जिसकी क्लासिफिकेशन या इसकी डिफिनीशन की जाती है तो ये ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसिडर किया जाता है या ना लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो लिविंग से रिलेटेड है और कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो नॉन लिविंग से रिलेटेड है। अब वायरस क्या है तो इसके हवाले से हम थोड़ी सी इसके इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर इसकी बात जो है इसके स्ट्रक्चर के हवाले से बात करेंगे, स्ट्रक्चर इसका किस तरह है, और लास्ट में जो है हम इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज जो है उसी के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले वायरस को कहा जाता है दिस इज काइंड ऑफ एग्रीगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ये एक इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, एग्रीगेट उसी पैरासाइट को कहा जाता है जो अपने होस्ट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता, जो अपने होस्ट के बगैर नहीं रह सकता। और इंट्रासेलुलर का मतलब ये है कि ये इनसाइड द सेल रहते हैं। इंट्रासेलुलर का मतलब ये है कि ये सेल के अंदर रहते हैं, अपने सर्वाइवल अपने लाइफ को सेल के अंदर गुजारते हैं जो होस्ट। और पैरासाइट उसी ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो अपने नरिशमेंट के लिए या अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। तो फिर इस पैरासाइट का फिर एक को हम कहते हैं कि पैथोजन है। तो पैथोजन का मतलब ये है कि अ काइंड ऑफ पैरासाइट वो उसी तरह का पैरासाइट इस पैरासाइट का वो किस्म जो डिजीज काज कर सकते हैं जो इन्फेक्शियस हो। या वायरस को हम ये भी कहते हैं कि इट इज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट, कि ये बहुत ज़्यादा जो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया हो गया या फिर फंजाइ जो हमारे पास है ये इससे बहुत इसकी साइज बहुत कम है। फिर इसके बाद हम वायरस के कैरेक्टरिस्टिक में से ये है कि इट कैन इन्फेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये ऑलमोस्ट जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे वो भी ह्यूमन में या इसके अलावा एनिमल्स में या एनिमल के अलावा almost it can also cause diseases to other microorganism, bacteria को भी ये disease cause कर सकते हैं। इसके अलावा virus की एक property ये भी है कि it can replicate only inside the living cell, ये अपने replication या अपने progeny या अपने copies जो है वो बनाते हैं only inside the living cell, किसी host cell के अंदर ही अपनी copies बना सकते हैं, बाकी outside environment में ये अपनी copies या अपने progeny को कंटिन्यू नहीं कर सकते, अपनी नस्ल को नहीं बढ़ा सकते, अपनी जनरेशन को कंटिन्यू नहीं रह सकते। फिर अब इसके बारे में थोड़ी सी आप लोगों को अगर आइडिया हो गया होगा तो इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं कि टिपिकल जो वायरस होते हैं जो आम वायरस होते हैं उसका स्ट्रक्चर जो है अमूमन किस तरह होते हैं। तो सबसे पहले ये तो इसका रेगमेटिक स्ट्रक्चर है जो मैंने ड्रा किया है। इसके स्ट्रक्चर के हवाले से सबसे पहले इसके ऊपर जो है आउटर लेयर होता है जो कि प्रोटीन से बना होता है, आप इसमें देख सकते हैं ये वाला लेयर, और ये प्रोटीन से बना होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है। ये कैप्सिड जो है इसका काम क्या है कि ये एक तो ये क्या करते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल जो कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है इसकी प्रोटेक्शन करते हैं इसके, और दूसरी कि ये कोई भी सेल जिसके ऊपर ये अटैक करते हैं या इसको जिस सेल को ये अटैच होते हैं तो उसकी रिकग्निशन में ये हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है उसका हमने बात की कि इसके आउटर को जो लेयर है या आउटर कवरिंग जो है आउटर शेल उसे कैप्सिड कहा जाता है, जो कि स्मॉल यूनिट जो कि प्रोटीन से बना है, और एक सब यूनिट जो है उसे कैप्स्यूमर कहा जाता है। फिर इसके अंदर जो मोस्टली इसमें न्यूक्लिक एसिड है सिंगल न्यूक्लिक एसिड है, और वो न्यूक्लिक एसिड वो तो दो टाइप्स के होंगे या तो डीएनए होगा या और आरएनए होगा। सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर जो भी आरएनए होगा या डबल स्ट्रैंड जो है डीएनए होगा। इसके अलावा जितनी भी वायरसेस है तो उसकी क्लासिफिकेशन जो भी वो न्यूक्लिक एसिड की बेस पे की जाती है कि या इसमें डीएनए वाला वायरस कौन से है और इसमें आरएनए वाला वायरस
आरएनए डीएनए या आरएनए होगा या डीएनए होगा, इसके अलावा जो हमने प्रोटीन की बात की इंकैप्सुलेशन होगा। लेकिन कुछ वायरस ऐसे भी है जिसमें और स्ट्रक्चर भी मौजूद होते हैं, जिस तरह ये आउटर लेयर है आप इधर देख सकते हैं, ये वाला लेयर जो है जिसे जो जो कि बना है काइंड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ये भी कुछ वायरस में पाए जाते हैं। या इसके अलावा जो है सराउंडिंग कैप्सुल इसको सराउंड की होती है। इसके अलावा स्पाइक प्रोजेक्शन, कुछ ऐसी वायरस है जिसमें स्पाइक्स होते हैं, इधर अगर आप देख सकते हैं ये वाली एरिया जो है इसे हम स्पाइक कहते हैं। और स्पाइक का काम क्या है कि ये भी क्या करते हैं, जिस तरह कैप्सुल जो है किसी ससेप्टेबल सेल को या होस्ट के सेल को रिकग्नाइज करते हैं, इसी तरह ये स्पाइक प्रोजेक्शन भी जो कि ग्लाइको प्रोटीन से बना होता है, ये भी रिसेप्टर जो है इसके कोई भी सेल के रिसेप्टर को ये रिकग्नाइज करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि क्या वायरस स्ट्रक्चर के हवाले से इसके ऊपर जो प्रोटीन से बना होता है उसको हम कैप्सुल कहते हैं। फिर इसका काम क्या है, रिसेप्टर रिकग्निशन और इसके अलावा प्रोटेक्शन फॉर वायरल जीनोम। फिर दूसरी जो है इसमें इम्प्लीकेशन होते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिसेप्टर वो न्यूक्लियोटाइड या डीएनए होगा या आरएनए होगा। और वायरस की हमने ये बात की कि इसकी क्लासिफिकेशन अगर होती है तो वो भी इसमें कौन सा जेनेटिक मटीरियल है, आरएनए है या इसमें डीएनए है, तो इसी के हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन भी इसी बेस पे होती है। फिर हमने ये बताया कि इसमें कुछ वायरस ऐसे हैं जिसमें एक्स्ट्रा जो फॉस्फोलिपिड होते हैं या स्पाइक प्रोजेक्शन होते हैं। अब ये बात अगर आप लोगों ने जान ली तो हम इसकी प्रॉपर्टीज के हवाले से बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से वायरस की प्रॉपर्टीज क्या है। तो कुछ प्रॉपर्टीज तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सेलुलर पैरासाइट, और इसके अलावा कि ये इन्फेक्शियस फीचर है ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो बैक्टीरिया है प्लांट है जितनी भी ऑर्गेनिज्म है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ये भी है कि नॉट सेल स्ट्रक्चर, जिस तरह बाकी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसे कहते हैं कि या ये प्रोकैरियोटिक सेल है इसका या यूकैरियोटिक है, या फिर हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं कि यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, तो ये नॉट सेल स्ट्रक्चर है, इसका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टीज इसकी ये है कि एक्टिव ओनली इनसाइड द होस्ट सेल, अगर ये सेल के अंदर होगा किसी होस्ट सेल के अंदर होगा तो ये एक्टिव होता है और आउटसाइड एनवायरनमेंट में ये इनएक्टिव होता है, ये एक्टिव नहीं होता। फिर दूसरी तीसरी प्रॉपर्टीज हम इसका ये कंसीडर करते हैं कि एक्स मॉलिक्यूल जो है ये हाई स्पेसिफिसिटी फॉर अटैचमेंट टू होस्ट सेल, इसकी जितनी जो या इसको हम ये वर्ड भी कह सकते हैं कि ये होस्ट स्पेसिफिक है, इसके अंदर जो रिकग्नाइज करते हैं जो दूसरी सेल को ससेप्टेबल सेल को रिकग्नाइज करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल अगर बैक्टीरिया को जो जो वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं तो इसके लिए ये मॉलिक्यूल अपने होंगे स्पेसिफाई होंगे, अगर ह्यूमन पे करते हैं तो इसके अपने होंगे, या बाकी जो एनिमल के टाइप्स है इसके ऊपर करेंगे तो उसके अपने होंगे। फिर इसके बाद इसके और प्रॉपर्टीज यही है कि मल्टीप्लाई बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ द होस्ट जेनेटिक मटीरियल, इसके अंदर खुद इतने प्रोटीन मशीनरी या इस तरह की मटीरियल नहीं होते, लेकिन जब ये सेल के अंदर चला जाता है किसी दूसरी सेल के अंदर चला जाता है तो उसकी मशीनरी को या उसके रॉ मटीरियल को या जेनेटिक मटीरियल को अपने कंट्रोल में लेते हैं, उसकी मशीनरी को हाईजैक करते हैं और इसी के ऊपर अपने जो नस्ल है या अपने प्रोजेनी बढ़ाते हैं, जो उसकी जो जो होस्ट जिसके ऊपर ये अटैक करते हैं उसकी मटीरियल को यूज करके अपने प्रोजेनी बनाते हैं। फिर इसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टीज ये भी है कि इस ब्रेक एंजाइम का मोस्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस, इसमें कोई इस तरह जो बाकी ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर्टीज होते हैं तो इसमें एक नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज ये भी है कि इसमें कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए कोई एंजाइम मौजूद नहीं है, इसमें कोई लैक फॉर मोस्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस जितनी भी कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म हो गया तो ये इसके अंदर जो है नहीं होते, इसके लिए जो एंजाइम महसूस होते हैं तो उसके अंदर नहीं होते। फिर इसके बाद जो प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी होती है जो कि बाकी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक है एनिमल ह्यूमन उसकी, तो ये लैक मशीनरी फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इसके अंदर अपने प्रोटीन बनाने की मशीनरी नहीं होती, जिस तरह हमने पहले ये पॉइंट डिस्कस किया कि ये क्या करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म की जो जेनेटिक मटीरियल है वो हाईजैक करके और उसकी बेस पे या उसकी मटीरियल प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी हाईजैक करके उसी के ऊपर अपने जो है प्रोजेनी बनाते हैं, वो मटीरियल यूज करके इसके अंदर जो इनकोडेड डीएनए होते हैं या आरएनए जो जेनेटिक मटीरियल है इसका इसी की बेस पे ये होस्ट की मटीरियल को यूज करके अपने प्रोजेनी बनाते हैं, इसके अंदर खुद अपने जो है प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी नहीं होती।
तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था वायरस के हवाले से, हमने इसके हवाले से बात की कि जैसे कार्डियक एप्लीकेटेड इंट्रासेलुलर पेरासाइट, फिर इसके बाद हमने स्ट्रक्चर के हवाले से बात की कि इसमें कैप्सिड है, इसमें न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोलिपिड, स्पाइक्स, फिर इसके बाद इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज जो है लिविंग और नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज के हवाले से हमने बात की। तो ये था आज का हमारा वायरस के हवाले से थोड़ी बहुत डिस्कशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो कोरोना वायरस, उसी के ऊपर होगा। थैंक यू।